ਫਾਗਾ ਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਾਗਾ ਇਸ਼ਵਾਗਾ ਬਕੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜੀ ਚੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਇਸ਼ਵਾਗਾ ਇਸ਼ਵਾਗਾ ਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਾਗਾ ये सारे भाई मशीनरी को आगे रखो मशीनरी तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है जबकि तिजारती मरकज ब्लू एरिया भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। चाइना चौक में रखे गए कंटेनर्स को मिट्टी से भर दिया गया। पुलिस को आंसू गैस के नए शेल्स भी फराहम कर दिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं चाइना चौक में मौजूद नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताइएगा इस वक्त रेड जोन और डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है वो चाइना चौक में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कंटेनर्स की एक और लेयर यहाँ पे रखी, दो कंटेनर्स रखे गए और साथ फिर आगे मिट्टी भी रखी गई है और ये दोनों कंटेनर्स मिट्टी से भरे गए हैं ताकि इनको जो मुजाहिरीन हैं वो हटा ना सकें। और हमारे जो कैमरामैन है उमर खिताब आपको दिखा रहे हैं ये सारे जो मनाजर है आप देख सकते हैं। साथ साथ परली साइड भी जो है वो आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर भी कंटेनर रखा गया। ये मेट्रो जो बस सर्विस है वो बंद है, मेट्रो का रूट है ठीक वो जो है वो भी बंद है और वहाँ पर भी कंटेनर रखे हुए आपको नज़र जो है वो आ रहे हैं। और फिर आप मेरी बैक साइड पे देखें तो आपको पूरा ये डी चौक जो है वो आगे नज़र आ जाएगा। बिल्कुल सुनसान जो सड़क है वो मौजूद है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आने जाने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल बंद है, रास्ते जो हैं वो बंद है। और अगर हम हमारे कैमरामैन दिखाएं आपको ये मेरे बिल्कुल पीछे पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। और एक और जो चीज़ मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ और मैं बताना भी चाह रहा हूँ वो ये आप जो आंसू गैस के शेल का इस्तेमाल किए गए ये उसका एक रैपर है तो वो देख सकते हैं ये काफ़ी तादाद में आपको यहाँ पे पड़े हुए वो है वो नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो कल पीटीआई के कारकुनों ने कोशिश की थी यहाँ से आगे मूव करने की तो उस कोशिश को पुलिस ने जो था वो नाकाम जो था वो बना दिया था। और एक चीज़ मैं और आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ कि बाज़ शेल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि पुलिस ने जो है वो उसको इस्तेमाल तो किया लेकिन वो फटे नहीं हैं, चले नहीं हैं। ये आप एक जो है वो शेल जो है वो देख सकते हैं, ये आंसू गैस का एक शेल है मेरे हाथ में जो है वो मौजूद है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पुलिस की जो नफरी ये सामने हमारे पास ये बैठे हुए हैं इनके पास आंसू गैस की जो शेल्स हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर ये पुलिस के जो अहलकार हैं वो आकर मौजूद जो हैं वो बैठे हुए हैं अपनी ड्यूटी के लिए। इस वक्त जब सुबह से लेकर अब तक सूरत हाल यहाँ पर मामूल के मुताबिक है, किसी किस्म की कोई पीटीआई के कारकुनों की जानिब से यहाँ पर हमें मूवमेंट उनकी नज़र जो है वो नहीं आई और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी जो है वो रिलैक्स हैं। ये अगर आप देखें ये यहाँ पे ये मुख्तलिफ ये रास्ते इस रोड से लिंक होते हैं तो वो फिर जो कारकुन हैं वो यहाँ से निकलते हैं, इन जगहों से आते हैं, गलियों से आते हैं और सड़क पर आते हैं और पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, आगे से फिर जो शैलिंग होती है फिर वो गायब हो जाते हैं। एक कैमरामैन से मैं ये भी कहूँगा ये जो आपको मनाजर दिखा दे ये ब्लू एरिया है और आपको मुकम्मल तौर पर ये दुकानें जो हैं वो बंद नज़र आ रही हैं। पूरा ये तजारती मरकज़ है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है ब्लू एरिया, यहाँ पे आपको जितने भी कारोबारी जो दुकानें हैं मराकज़ हैं वो सारे आपको जो है वो बंद जो है वो नज़र आ रहे हैं लेकिन पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर पूरी तरह जो है वो मौजूद है। बाकी अब इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर जो है वो हालात जो हैं अभी तक जो है वो मामूल के मुताबिक हैं जी।